अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू टिक्की कटलेट। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए, हम बॉल में ऐड करेंगे आलू। मैंने आलू पहले से ही उबाल के रखे थे। इसमें ऐड करेंगे हरी धनिया, पुदीना, प्याज मैंने बारीक चॉप कर लिया है, इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, हाफ टेबल स्पून जीरा, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च, हाफ टेबल स्पून चाट मसाला, टेस्ट के लिए नमक हाफ टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला। चलिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलिए हमने फुटाने लिया है, जो पाउडर बनाएंगे। देखिए मैंने फुटाना का पाउडर बना लिया है। चलिए इसमें थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लेना। हम हाथ में ही प्रेस कर लेंगे। ऐसा फ्लावर टाइप का रहता है ना, इसको ऐसे प्रेस कर लेंगे। मैंने स्टार का भी लिया है और ये एक डिज़ाइन बनाएंगे। आपके पास ऐसा नहीं है तो हाथ में लेने का, देखिए आप ऐसे ही सादा बना सकते हैं। बिस्मिल्लाह। देखिए मैंने टिक्की बना लिया है, ये सादी टिक्की है, ये फ्लावर टाइप है, स्टार टाइप है, सभी टिक्की बना लिया है मैंने। चलिए इसे शैलो फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह। देखिए हमारा पैन अच्छे से गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाह। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। फ्लेम में ही शैलो फ्राई करना है इसे।
बिस्मिल्लाह। देखिए मैंने दोनों साइड अच्छे से सेक लिया है इसे। चलिए और थोड़ा ऑयल डालेंगे इसमें। हम डालेंगे स्टार के, बिस्मिल्लाह। चलिए इसे दूसरी साइड पलटा लेते हैं। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से बने हैं। चलिए अब दूसरे साइड भी अच्छे से सेकते हैं। प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। चलिए हमने एक प्लेट ले लिया है, इसमें टिश्यू लगा लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे टिक्की, बिस्मिल्लाह। देखिए हमारे आलू टिक्की कटलेट बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी सही हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।